हाँ भाई, कितने देगा इस बाइक के? भाई बाइक वैसे ही बहुत पुरानी है, ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, 5,000 दे पाऊँगा इसे। 5,000? चल ठीक है, 5,000 दे दे। करुण क्या कर रहे है तू? तेरे पापा की आखिरी निशानी है बाइक और इसे कबाड़ में बेच रहा है। तू क्या देख रहा भाई, ले जा इस बाइक को, पैसे दे दिए, बाइक भी रख लूंगा, पकड़ जा भी। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, एक आखिरी निशानी बची है ये और इसे भी निकाल देगा तू? अरे मैं अंदर जाके बात करूंगा, चलो आप अंदर चलो। माँ बिना हर बार ऐसे ही करती है। तेरे पापा की आखिरी निशानी थी वो बाइक और तूने उसे कबाड़ में बेच दिया। माँ मुझे लगता है आपको ना कचरा इकट्ठा करने का शौक हो गया है। तेरे लिए तेरे पापा की चीजें अब कचरा है? हाँ माँ कचरा ही तो है, अब इसे छाती पे लेके घूमते रहे, पापा चले गए कचरा छोड़कर चले गए। भैया भैया मेरे बेटे के स्कूल से फोन आया था, बता रहे हैं कि वो झूले से गिर गया और उसका सर फट गया है, मुझे उसके इलाज के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए भैया, मेरी मेरी पगार दे दीजिए प्लीज। तुम गरीब लोग ना बड़े तेज होते, काम तुम्हें करना नहीं होता, पैसे तुम्हें हर रोज चाहिए होते हैं। नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी आप अंदर जाकर आराम करो, काम का तबीयत खराब हो जाएगी, फिर खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। ये बाइक? शांति तू यहाँ कैसे? माँ जी मैं शाम के 6 बजे से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप बाजार गई थी ना इसीलिए। हाँ पर ये बाइक यहाँ कौन लाया? माँ जी ये बाइक मैं लेकर आई हूँ। तू क्या ड्रामा मचा रखे? और ये बाइक यहाँ कैसे है? अभी मिलाता हूँ उस कबाड़ी वाले के फोन, ये वापस लेकर जाएगा। रख फोन वापस रख, तूने बेच दिया था ना इस बाइक को, बस अब बहुत हो गया, अगर दोबारा इस बाइक की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या करूँगी इस बाइक का, कुछ नहीं करना। भैया छोटा मुंह बड़ी बात, पर एक बात बोलो, ये बाइक भले ही आपके लिए कबाड़ हो लेकिन माँ जी की बहुत यादें जुड़ी हैं इससे। जब पहली बार माँ जी इस पर बैठकर बड़े साहब के साथ घूमने गई होंगी, जब पहली बार वो अस्पताल से आपको इस पर घर लाई होंगी, वो सारे लम्हे जो बड़े साहब के साथ इस पर बिताए होंगे, अगर ये बाइक चली गई तो उसके साथ सारी यादें भी चली जाएंगी, कोई मोल नहीं रह जाएगा उन लम्हों का। भैया आप एक बार माँ जी की जगह पर अपने आप को रख कर तो देखिए। भैया मैं माँ जी को समझती हूँ, इसीलिए आज आपसे बहाना मारकर वो 5,000 रुपए लिए थे, उन 5,000 रुपए को लेकर मैं कबाड़ वाले के पास गई और ये बाइक वापस ले आई। भैया 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 सुनिए, अभी आप जिनसे ये बाइक खरीद के लाए ना उनका मन बदल गया है, उन्हें ये बाइक नहीं बेच रही इसीलिए आपके पैसे वापस करे हैं। क्या मैडम, कभी आप बाइक बेच रहे हो कभी खरीद रहे हो, लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाओ सर। ताकि माँ जी को दुख ना हो। शांति तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे नहीं पता था कि ये बाइक आपके लिए इतनी कीमती है, और शांति ने तो मुझे भी एहसास दिलाया कि ये बाइक मेरे लिए भी कितनी कीमती है, कितनी यादें जुड़ी हुई है इस बाइक के साथ मेरी। मैं बाइक नहीं बेचूंगा बिल्कुल भी नहीं। करण बेटा तुझे इस बात का एहसास होगा, मेरे लिए इतना ही बहुत। भाई इस बाइक को मैं पहले की तरह ठीक करवाऊंगा और हम वो सारी जगह घूमेंगे, तो पापा हमको लेकर जाया कर। थैंक यू शांति।